हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा, नेहा मसाला मैनिया में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज की हमारी स्पेशल रेसिपी है सर्दियों की जान, तिल गुड़ के लड्डू। हम दो तरीके से तिल गुड़ के लड्डू तैयार करेंगे। पहला, नरम मुलायम एकदम सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाले तिल के लड्डू, जो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग घर पे बना सकते हैं। और दूसरे लड्डू क्रंची और क्रिस्पी, जैसे आपने बाजार में देखे होंगे ना, हमेशा मिलते हैं, वैसे ही लड्डू हम बहुत ही इजी ट्रिक से अपने घर पे आज बनाएंगे। आज हम बनाएंगे तिल के सॉफ्ट वाले लड्डू, जिसके लिए हमने लिया है एक बाउल गुड़। ये देसी गुड़ है जो बाजार में आम मिल जाता है, डार्क कलर का आता है। इसको पूरा क्रश करके हमने रेडी कर लिया है। साथ में ही हमने लिए हैं एक बाउल सफेद तिल, जो भी बाजार में आराम से मिल जाते हैं। ये दोनों की क्वांटिटी एकदम सेम होनी चाहिए, एक कटोरी गुड़ तो एक कटोरी ही तिल लेंगे। साथ में हमने इसके साथ ली है मूंगफली, हैंडफुल मूंगफली है एक मुट्ठी भर। इससे बहुत ही अच्छा क्रंची फ्लेवर हमारे लड्डू में आएगा। एक छोटा चम्मच हम लोगों ने इलायची पाउडर लिया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और साथ में हमने 2 से 3 चम्मच जितना घी लिया है। लड्डू बनाने के लिए जो हमने ये सफेद तिल लिए थे एक बाउल, उसको हम सबसे पहले रोस्ट करेंगे। और मीडियम, हमारी फ्लेम मीडियम टू लो, एकदम लो साइड पे ही रहेगी। तिल लड्डू बनाने के प्रोसेस में तिल को अच्छे से भुनना बहुत जरूरी है, जिससे जब हम लड्डू बनाएं तो उसके अंदर तिल का कच्चा फ्लेवर नहीं आए। अगर तिल कच्चे रह जाते हैं तो मुंह में कच्चापन सा हमें लड्डू में आएगा। देखिए, हमारे ये तिल अच्छे से भुन चुके हैं, इसमें सुनहरा कलर आ चुका है। तो बस ये स्टेज पे हम लोग गैस को बंद कर देंगे। अब ये बाउल के अंदर हम लोग ये तिल को ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब यही पैन जिसमें हमने तिल को अभी रोस्ट किया था, उसी में हम इन्हें जो हैंडफुल मूंगफली ली थी उसके दानों को भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसको भी हम लोग एकदम लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। ये पीनट्स हमारे रोस्ट हो चुके हैं, बस इसी टाइम पे हम लोग गैस को ऑफ कर देंगे। ये पीनट्स को हम लोग बाउल में ले लेंगे और इसको पूरा ठंडा करके हम मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। और इसे दरदरा ही करना है, मोटा मोटा ही हम लोगों को ग्राइंड करना है, बारीक नहीं होना चाहिए। ये पीनट्स को हम लोगों ने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। देखिए, ऐसे मोटा मोटा रहना चाहिए, जिससे हमारे लड्डू के अंदर बहुत ही अच्छा क्रंची फ्लेवर आएगा। ये तिल जो हमने रोस्ट करके ठंडे कर लिए हैं, उसमें से ये 2 स्पून जितने तिल हम लोग अलग से रख लेंगे। मिक्सर ग्राइंडर का जार हम लोग ले लेंगे, उसमें हम लोग ये डालेंगे रोस्ट करे हुए ये तिल। एक बाउल गुड़ जो हमने पूरा क्रश करके रेडी करके रख लिया था, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। एक छोटा चम्मच इलायची पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी, जिससे हमारे लड्डुओं में से बहुत अच्छी खुशबू आएगी और ये हमारे लड्डुओं को बाइंड भी करेगा। अब ये सारे मिक्सचर को हम लोगों को मिक्सर में ग्राइंड करना है, जिसमें हमें मिक्सर को ऑन ऑफ करके चलाना है, कंटिन्यू मिक्सर को नहीं ऑन करना है, नहीं तो हम लोगों के तिल पूरा तेल छोड़ देंगे। ऐसा हमें इसको ग्राइंड करना है मिक्सर में। अब हम इसको जार को इसमें बाउल में खाली कर लेंगे। अब जो हमने 2 चम्मच तिल अलग से रोस्ट किए हुए रखे थे, वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे, जिससे हमारे लड्डू में बहुत ही अच्छा क्रंची फ्लेवर आएगा। रोस्टेड पीनट्स भी हम अब इसमें मिक्स कर देंगे। अब ये सारे मिक्सचर को हम लोग अच्छे से पूरा मिक्स कर देंगे। हाथ में अपने घी लगाकर अब हम ये लड्डू को बांधेंगे। इस तरीके से एक हाथ से दूसरे हाथ में लेकर हम गोल गोल ऐसे ने लड्डू सभी तैयार कर लेंगे। देखिए, ये तिल के लड्डू हमारे कितने अच्छे मुलायम और नरम बन करके तैयार हो गए हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि देखो कितना अच्छा सॉफ्ट और क्रंची लड्डू हमारा तैयार हुआ है। बाजार जैसे तिल के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए एक बाउल सफेद ये तिल जो बाजार में मिल जाते हैं, और साथ में हमें चाहिए चिक्की वाला गुड़, जो देसी गुड़ जिसे बोलते हैं, जो थोड़ा सा डार्क कलर का आता है। इसको भी हमने क्रश करके पूरा तैयार करके ले लिया है। सबसे पहले हम लोग ये एक बाउल तिल पैन में डाल देंगे और इसको हम लोग रोस्ट करेंगे। इसे हमें लो फ्लेम पे ही हम लोगों को रोस्ट करना है। अच्छी तरह से हम लोग सब जगह से इसको घुमा घुमा के अच्छे से रोस्ट करेंगे। तिल बहुत ही हेल्दी होता है, सर्दियों में तिल के लड्डू खाए जाते हैं। ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम बहुत अच्छा होता है, फाइबर भी बहुत ही अच्छा होता है।
ये तिल हमारे अब इसमें तड़कने लगे हैं, तो बस ये स्टेज पे हम लोगों को अभी फ्लेम को बंद कर देना है, क्योंकि ये ओवर कुक हो जाएंगे तो हमारे लड्डू में इससे कड़वापन आ सकता है, इसीलिए बस हमें इसको एकदम सही से भुनना है। ये तिल को हम एक बाउल में ले लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जो पैन में हमें तिल भुने थे ना, अभी वही पैन खाली करके हम लोगों ने वापिस से ले लिया है, उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी और साथ में हम लोग ले लेंगे 1 बाउल गुड़, और इसकी हम लोग अभी चाशनी तैयार करेंगे, इसको मेल्ट होने के लिए हिलाते रहेंगे। ये गुड़ को हम लोगों ने क्रश करके ही लिया है जिससे जल्दी से इसकी चाशनी तैयार हो सके। इस तरीके से इसको अच्छे से पूरा लो फ्लेम पर स्टर करते रहना है जिससे गुड़ कहीं पर भी लग नहीं जाए, हमें ऐसी इसकी चाशनी तैयार करनी है। में बहुत अच्छी मात्रा में आयरन होता है जिससे तिल और गुड़ के लड्डू बहुत ही हेल्दी होते हैं। चाशनी एकदम बस तैयार होने वाली है, देखिए हमारी चाशनी के अंदर पूरा झाग आ चुका है, तो बस अब हमें अपनी चाशनी को चेक करना है। तो हमने 1 बाउल पानी लिया है, उसके अंदर हम लोग चाशनी अपनी डाल के देखेंगे कि हमारी चाशनी रेडी है कि नहीं है। बस हमारी चाशनी लगभग तैयार होने वाली है, अभी हमारी चाशनी हम 2 मिनट और इसको करेंगे। चाशनी एकदम सही मात्रा में बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारी चाशनी ओवर कुक हो गई तो हमारे लड्डू बहुत हार्ड हो जाएंगे, और पूरी अच्छे से नहीं तैयार हुई तो लड्डू बनेंगे ही नहीं। हम वापिस से चेक करेंगे हमारी चाशनी रेडी हुई है कि नहीं, तो बिल्कुल अब हमारी चाशनी एकदम तैयार हो चुकी है, देखिए बिल्कुल अच्छे से ये पूरे बन रही है, तो हमारी चाशनी ये तैयार है, बस हम इसे ओवर कुक नहीं करेंगे। इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर जिससे बहुत ही अच्छी इसके अंदर खुशबू आएगी, और अब हम इसमें 2 से 3 पिंच इतना बेकिंग सोडा डालेंगे जिससे फ्लफीनेस बहुत अच्छी आएगी और बहुत ही अच्छे फुलके हमारे लड्डू हल्के फुलके तैयार होंगे। अब ये रोस्टेड तिल हम इसमें डाल के इसको अच्छे से पूरा स्टर कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम हम लोगों ने अभी बंद कर दी है और हम इसको अच्छे से पूरा मिक्स करेंगे। ये स्टील की थाली ली है मैंने, उसके ऊपर हम लोग पूरा घी को अच्छे से लगा करके तैयार करके रख लेते हैं, जिसमें हम लोग पूरा अच्छे से घुमाकर सभी तरफ से घी इसमें लगा लेंगे। प्लेट हम लोगों ने तैयार करके रखी थी घी लगा करके, अब हम इसके अलग अलग पोर्शन करके इसको अलग से रख लेंगे जिससे हम इसकी बाइंडिंग लड्डू की अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये बहुत ही गर्म है, नहीं तो ये एकदम से पूरा इकट्ठा हो जाएगा, इसीलिए इसको अलग अलग हिस्सों में हम लोग इस तरीके से तैयार कर लेंगे। अब इसी तरीके से हम लोगों हाथ पे घी लगा करके इसको अच्छे से हम लोग बिल्कुल, बहुत गर्म होता है ये तो बहुत ध्यान से आप लोग कीजिएगा, एक हाथ से दूसरे हाथ में जल्दी जल्दी हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे और अपने लड्डू को तैयार कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे लड्डू हमारे तैयार हो रहे हैं और कितनी अच्छी शाइनिंग इसमें आ गई है। इसी तरीके से हम लोग सारे लड्डू को तैयार कर लेंगे। इस तरीके से ये लड्डू हम लोगों ने तैयार किए, इसको वापिस से हम लोग गोल गोल करेंगे, क्योंकि अभी वो गर्म होते हैं ना तो बैठ जाते हैं, तो इसलिए हम लोगों को इसको पूरा अच्छे से गोल वापिस से इस तरीके से तैयार करना है। इसी तरीके से हम लोग अपने सारे लड्डुओं को तैयार कर लेंगे। तिल और गुड़ के लड्डू रेडी हो गए हैं, देखिए कितनी अच्छी इसके अंदर शाइनिंग आ रही है और कितने अच्छे ये क्रंची से बने हैं। मकर संक्रांति स्पेशल तिल गुड़ लड्डू सभी को खिलाइए और त्योहार का आनंद मनाइए। मेरी ये रेसिपी तिल गुड़ के लड्डू आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। बाय बाय।